हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। बेटा, जैसे आपको पता, मैं चैप्टर 1 पार्ट बी से हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। और इस चैप्टर में अब तक हमने बेसिक चीजें देख ली थी, जैसे कंपनी क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, उसकी नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, और कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनती है, कौन कौन से पार्ट उस पे एप्लीकेबल है, और जो मेजर दो फॉर्मेट्स हमें डिस्कस करने थे उनके बारे में हमें चर्चा करनी थी। और आज हमारी क्लास कंटिन्यू होगी फ्रॉम द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ आपके साथ, मुझे बताइएगा कि क्लियरेंस है या नहीं आपको स्क्रीन की। चलिए, हमने जो अब तक डिस्कस किया था उसमें मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया था, डेफिनेशन हमने देख ली थी, फाइनेंशियल ईयर के बारे में समझा था, कंपनी के पास जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की बनाई जाए तो कंपनी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था और यूजेज एंड इम्पोर्टेंस के साथ साथ हमने बात की थी कि भाई हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे शेड्यूल थर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। जो शेड्यूल थर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है बैलेंस शीट बनती है और स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल। शेड्यूल थर्ड में बैलेंस शीट को पार्ट ए में बताया गया, पार्ट ए में बताया गया, किसमें, पार्ट ए के पार्ट वन में इसको बताया गया है कि पार्ट वन बनेगी, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है वो पार्ट टू में बनेगी। ठीक है, सो बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर फॉर्मेट गिवन इन शेड्यूल थर्ड। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फॉर्मेट जो है इनके वो किस फॉर्मेट में दिए गए हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में दिए गए, तो हमें वर्टिकल फॉर्मेट प्रिपेयर करने हैं इनके। शेड्यूल थर्ड डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजेंटल फॉर्मेट, ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं करती। द न्यू वर्टिकल फॉर्मेट इट एज फॉलो, ये नया हमें वर्टिकल फॉर्मेट देती है जो कि कुछ इस प्रकार से है। पार्ट वन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एट, और ध्यान रखिएगा ये एज एट बनाई जाती है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड। ठीक है, नॉट फॉर ए पार्टिकुलर डेट, क्या है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बनती है। एज एट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, हमेशा याद रखिएगा, आपसे ये डिफरेंस में पूछ सकता है या एमसीक्यू पूछ सकता है पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आपको ये लिखा मिले एज ऑन, तो इट इज पार्टिकुलर डेट, इट इज पार्टिकुलर डेट। तो अब हम इसे पार्टिकुलर डेट को प्रिपेयर नहीं करते, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बनाते हैं। इसका रीजन हमने बताया था कि भाई मार्केट में वैल्यूज ऑफ एसेट्स के अंदर काफी सारा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, तो जिस कंडीशन से अगर हम बात करें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं करती और उसकी वजह से काफी सारा चेंज हो सकता है, इसलिए हम इसको एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रिपेयर करते हैं। इसको बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मेट्स में पांच कॉलम, चार कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम आपका रहेगा किसका, पार्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम आपका रहेगा किसका, नोट्स नंबर का, तीसरा कॉलम आपका रहेगा किसका, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और फोर्थ वन आपका रहेगा फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अब इसको बनाने के लिए आपको बस जैसे जैसे बताता जाऊँ वैसे वैसे आप इसको समझते जाइएगा और अपनी नोटबुक पे जरूर नोट करिएगा।
बुक में से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में नोट करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी जितनी ज्यादा लिखित में प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट है प्रोवाइड करेगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखिए पार्टिकुलर्स में साइड के बारे में बात करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ बैलेंस शीट के बारे में, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप एक बार जरूर नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको चेक करना है वेदर वी आर करेक्ट और नो, राइट। सबसे पहली बात कि इसका फॉर्मेट जो होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल से, वर्टिकल से। कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल थर्ड पार्ट वन में इसके फॉर्मेट को डिफाइन किया गया है। तीसरी बात, इसमें मेजर हेडिंग्स होती हैं, कुल मेजर हेडिंग्स होती हैं 6। ठीक है, इसमें सब हेडिंग्स होती हैं, बाईस। ठीक है, इसमें सब सब हेडिंग्स भी हमें देखने को मिलेंगी, जो कुल मिलाकर है 4। और अगर मैं मेजर हेडिंग के बारे में बात करूं तो 6 में से 4 आपकी इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड देखने को मिलेगी और 2 आपको एसेट साइड देखने। अगर सब हेडिंग की बात की जाए तो ये इक्वल इक्वल है, 11 आपकी इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड देखने को मिलेगी और 11 ही आपकी एसेट साइड देखने। जो सब सब हेडिंग्स हैं केवल और केवल हमारी एसेट साइड है, वो हमें एसेट साइड देखने को मिलेगी। ठीक है, इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं फिर अब इसी फॉर्मेट की तरफ। देखिए पहला फॉर्मेट में पहली साइड जो है वो कौन सी, हमारी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड। इसमें पहली मेजर हेडिंग कौन सी है, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 सब हेडिंग्स आएंगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। इनको आपको याद रखना है किस पर्पस, किस किस तरीके से याद करेंगे आपसे। शेयर होल्डर फंड्स को हम लिखते हैं SHF और इसको लिखेंगे SRM, SRM। ठीक है, शेयर होल्डर फंड SRM। उसके बाद मेजर हेडिंग नंबर 2 आती है हमारी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का क्या मतलब है, इन सारी बातों को डिटेल से स्टडी करेंगे। उससे पहले एक बार इसकी आप मेजर हेडलाइन जो है वो जरा ध्यान करिएगा। तीसरी मेजर हेड है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वैसे याद रखने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्या, संपा, SAMPA। ठीक है, संपा। नॉन करंट लाइबिलिटीज को याद रखिएगा NCL, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और इन हेडिंग्स को याद रखने के लिए जो इसकी सब हेडिंग दी गई है कौन कौन सी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इनको याद रखने के लिए आप ये एक्रोनियम याद रखिएगा, डोल, DOLL, डोल। ठीक है, डोल, DOLL, डोल। और अगर सीक्वेंस में लिखना हो तो आप लिखेंगे L, डोल, L। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इनमें आप शॉर्ट में याद रखिएगा इसको CL, और ये जो सब एडिशन में याद रखने के लिए याद रखिएगा एक्रोनियम TOS, टोस। और अगर हमको तो सीक्वेंस में लिखना तो S टोस के नाम से आपसे याद रखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट हमें सीक्वेंस में बनानी होती है, इसलिए आप इसको हर एंगल से याद करें। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल एंड देयर आफ्टर एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास। एसेट्स में ये जो है हमारी क्या है, सेकंड साइड है बैलेंस शीट की, एसेट साइड। इसमें पहली जो मेजर हेडिंग है वो क्या है, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास टोटल मिलाकर 5 सब हेडिंग होती हैं जिनको आप याद रखेंगे। नॉन करंट एसेट्स को आप लिख सकते हैं NCA, और 5 सब हेडिंग्स को आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब इनको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम याद रखिएगा, बी फोर एन डी एल ओ, बी फोर एन डी एल, बी फोर एन डी एल मेरे साथ बोलिए, बी फोर एन डी एल याद हो जाएगा, पी फोर एन डी एल। ठीक है, पी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और फोर क्यों लगाया है, क्योंकि इसकी चार सब एडिंग्स है, इस सब एडिंग की चार सब एडिंग्स, जिनको हम सब सब एडिंग्स बोलते हैं, कौन कौन सी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप। इनके मीनिंग के बारे में चर्चा करेंगे, आप पहले फॉर्मेट को सही, करंट एसेट्स, नेक्स्ट मेजर एडिंग कौन सी है हमारी, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या है हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में क्या है, पहली एडिंग करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरी इन्वेंट्रीज, तीसरी ट्रेड रिसीवेबल्स, चौथी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पांचवी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और छठी अदर करंट एसेट्स। इनको याद रखने के लिए आप मेरे साथ बोलिएगा साथ साथ, करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है, सिट्सो, सी आई टी सी एस, क्या है हमारे पास, सिट्सो, सी आई टी सी एस, सी आई टी सी एस। ठीक है, और ये लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल, हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल, क्लियर। तो यहाँ पर इन छह के छह एडिंग्स को अगर हम एक लाइन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, मेरे साथ नोट करिएगा, यहां मेंशन कर देता हूं मैं, और आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पर, जो हमें आगे यूज में आएगी, जब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर्स को परफॉर्म करेंगे, कौन कौन से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ना, जब इनको हम करेंगे तो उस वक्त हमें इक्वेशन काफी हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, शेयर होल्डर फंड के बारे में, फिर हमने किसके बारे में बात की थी, संपा, संपा एस ए एम पी ए, संपा दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरे नंबर पर हमने किसके बारे में बात की थी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन करंट लाइबिलिटीज, और ये कुल मिलाकर इसके बराबर था हमारा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, अब इसमें हमने बात की थी शेयर होल्डर फंड में तीन सब एडिंग्स की, कौन कौन सी सब एडिंग्स थी हमारी, वो एक थी एस, एक थी आर और एक थी एम, सब एस आर एम सब। उसके बाद संपा की कोई सब एडिंग नहीं थी, देन देयर आफ्टर हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने एक वर्ड याद किया था डोल, डी एल एल, और करंट लाइबिलिटी में याद किया था टोस, टी ओ एस एस। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स की हमने जब सब एडिंग्स के बारे में बात की तो हमने एक एक्रोनिम याद किया था, दैट इज पी फोर एन डी एल प्लस, करंट एसेट्स के लिए हमने क्या याद किया था, यस सी आई टी सी एस ओ, सिट्सो। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको याद रखेंगे। इन श्योर जब भी बैलेंस शीट आपको लिखनी है या बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बनाना है तो इस तरीके से आप इसको लिख करके और तुरंत जल्दी जल्दी से आप इसको कहीं पर मेंशन कर ले, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी बैलेंस शीट को क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अब इनमें से कुछ कुछ हेडिंग्स जो है वो हमारे प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से तो काम की नहीं है, लेकिन यह थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें से हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और इस बैलेंस शीट में से जो क्वेश्चन आता है वो किस लेवल का आता है, कि आपको बताना होता है कि मेजर हेड एंड सब हेड ऑफ पार्टिकुलर आइटम। तो यहाँ पर आपको हर एक पार्टिकुलर मेजर हेडिंग में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उन एलिमेंट्स में क्या क्या शामिल होता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, उसके बारे में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है, ताकि हम हमारे से यदि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए हम इजीली उसका क्या दे सके, आंसर दे सके। तो इसके अंदर आने वाली जो सब हेडिंग्स हैं उनमें क्या क्या एलिमेंट आते हैं इसके बारे में हमारी चर्चा रहेगी, और ये बात हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल हमें यही समझना था कि एक्चुअल में बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, बैलेंस
बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को हमने समझा, ये वर्टिकल शेप में बनती है। इसके बारे में आपको मेजर मेजर बातें याद होनी चाहिए कि ये वर्टिकल शेप में बनती है। एक बात, इसके ऊपर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड पार्ट वन लगता है। मेजर हेडिंग्स इसमें टोटल 6 हैं, ठीक है। मेजर सब हेडिंग्स क्या है, 22 है इसके अंदर, और सब सब हेडिंग्स कितनी है, 4 है। और जो मेजर हेडिंग्स है उनमें 4 इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड है, तो एसेट साइड है, 11 इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड है, तो 11 हमारी एसेट साइड है सब हेडिंग्स, और 4 जो सब सब हेडिंग्स है वो हमारी एसेट्स में गिवन है। एसेट्स में कहाँ गिवन है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, जो हमने बात की P4 के अंदर। P4 में किस नाम से जानेंगे इसको, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसको आप याद करेंगे PICI के नाम से, ठीक है, PICI। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि किसी प्रकार की कोई बात आप यहाँ रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। अपने कमेंट करना मत भूलिएगा, जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मैं आपकी बातों को रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है, उतना ज्यादा मैं आपको समझा पाऊंगा और आपकी बातों का रिप्लाई भी कर पाऊंगा। तो प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करिए, ताकि वो भी इन क्लासेस का क्या कर सके, बेनिफिट ले सके। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।